पनडुब्बी जिसे सब के नाम से भी जाना जाता है एक विशेष जलयान है जिसे पानी के अंदर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग आमतौर पर सैन्य अनुप्रयोगों के अनुसंधान और अन्वेषण में किया जाता है। पनडुब्बियां विभिन्न प्रणालियों और प्रौद्योगिकों से सुसज्जित है जो उन्हें पानी की सतह के नीचे संचालित करने और जीवित रहने की अनुमति देती है। पनडुब्बियां इस मायने में अनोखी है कि वे पानी की सतह और उसके नीचे डूबे हुए जगह यात्रा करने में सक्षम है। जलमग्न होने पर ये विद्युत बैटरियां और सतह पर डीजल इंजन या परमाणु रिएक्टर के संयोजन से संचालित होते हैं। जलमग्न होने पर पनडुब्बी अपनी गहराई और दिशा को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रणोदन प्रणाली और गोताखोरी विमानों और पतवार जैसे उपकरणों पर निर्भर करती है। एक सैन्य पनडुब्बी का मुख्य उद्देश्य नौसैनिक युद्ध में मिशनों को अंजाम देना है जिसमें टोही निगरानी खुफिया जानकारी एकत्र करना और आक्रमण या रक्षात्मक संचालन शामिल है। पनडुब्बियां समुद्र और जमीन दोनों पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए टॉर्पीडो मिसाइल और अन्य हथियारों से लैस है। सैन्य अनुप्रयोगों के अलावा पनडुब्बियों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और समुद्र की गहराई की खोज के लिए किया जाता है। वे वैज्ञानिकों को समुद्री जीव भूविज्ञान और पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के साथ साथ उन क्षेत्रों में गहरे समुद्र में अन्वेषण करने की अनुमति देती है जहां मनुष्य द्वारा पहुंचना मुश्किल है। प्रणोदन नेविगेशन और स्टील्थ प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ पनडुब्बियां अपने प्रारंभिक डिजाइन के बाद से महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। आधुनिक पनडुब्बियां उच्च गति से यात्रा करने और गुप्त संचालन बनाए रखने में लंबे समय तक पानी में रहने में सक्षम है। कुल मिलाकर पनडुब्बियां नौसैनिक युद्ध में पानी के भीतर अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो मनुष्यों को समुद्र की गहराई में ले जाने और पानी के नीचे के वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने में अनुमति देती है। आज मैं आप सबको पनडुब्बी के विषय में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो में बने रहें। पनडुब्बी जिसे हम नौसैनिक पोत के भी नाम से जानते हैं, पनडुब्बी कोई भी नौसैनिक जहाज जो पानी के नीचे और साथ ही पानी की सतह पर खुद को चलाने में सक्षम हो। यह युद्ध पोतों के बीच एक अद्वितीय क्षमता है और पनडुब्बियां सतह के जहाज और डिजाइन और उपस्थिति में काफ़ी भिन्न होती है, यानी कि पनडुब्बी ऊपर चलने वाले जहाज से काफ़ी भिन्न होती है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान पनडुब्बियां पहली बार नौसैनिक युद्ध में एक प्रमुख कारक बनी जब जर्मनी ने उन्हें सतह के व्यापारिक जहाजों को नष्ट करने के लिए नियोजित किया। ऐसे हमलों में पनडुब्बियों ने अपने प्राथमिक हथियार एक स्वचालित पानी के नीचे मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसे टॉर्पीडो के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में पनडुब्बियों ने बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच अटलांटिक जर्मनी और प्रशांत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दोनों में इनका इस्तेमाल हुआ। 1960 के दशक में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां जो कई महीनों तक पानी के भीतर रहने में सक्षम है और सतह पर आए बिना लंबी दूरी के परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम थी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार पनडुब्बियां बन गई थी। टॉर्पीडो के साथ साथ एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइलों से लैस परमाणु हमला पनडुब्बियां भी नौसैनिक युद्ध का एक प्रमुख तत्व बन गई है। 17वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक पनडुब्बियों के विकास का इतिहास निम्नलिखित प्रकार से रहा है, तो आप वीडियो में बने रहे। अन्य युद्धपोतों के इतिहास के लिए नौसैनिक जहाज को आइए हम लोग देखते हैं। आधुनिक हमलों और राजनीतिक पनडुब्बियों के हथियार के लिए रॉकेट और मिसाइल प्रणाली है। प्रारंभ में पनडुब्बियां हाथ से चलती थी, आइए जानते हैं। पनडुब्बियों की पहली गंभीर चर्चा पानी के नीचे नेविगेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक शिप जो 1578 में सामने आया जिसमें आया विलियम बॉर्न एक ब्रिटिश गणितज्ञ और नौसैनिक विषयों के लेखक थे। बॉर्न ने एक पूरी तरह से बंद नाव का प्रस्ताव रखा जिसे पानी में डुबोया जा सके और पानी के अंदर चलाया जा सके। इसमें जलरोधक चमड़ों से ढका एक लकड़ी का फ्रेम शामिल था। हैंड विज के उपयोग के माध्यम से किनारों को सिकोड़कर इसकी मात्रा को कम करके इसे जलमग्न किया गया। बॉर्न ने वास्तव में अपनी नाव का निर्माण नहीं किया था और कॉलेनिस ड्रिबोल एक डच आविष्कारक को आमतौर पर पहली पनडुब्बी के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1620
और 1624 के बीच उन्हें इंग्लैंड के टेमस नदी में बार बार परीक्षण के दौरान सतह के नीचे 12 से 15 फीट की गहराई पर अपने शिल्प को सफलतापूर्वक चलाया। कहा जाता है कि किंग जेम्स प्रथम छोटी यात्रा के लिए जहाज पर सवार हुआ था। ड्रिबेल की पनडुब्बी बॉर्न द्वारा प्रस्तावित पनडुब्बी से मिलती जुलती थी, जिसके बाहरी पतवार में लकड़ी के फ्रेम के ऊपर चिकना चमड़ा लगा हुआ था। चप्पुओं को किनारे से फैलाया गया और टाइट फिटिंग चमड़ों के स्लैब से सील करके सतह और पानी के नीचे दोनों जगह क्या किया गया, प्रणोदन का साधन प्रदान किया गया। ड्रेबेल के पहली शिल्प के बाद उसी सिद्धांत पर दो बड़े शिल्प यानी कि डिजाइन बनाए गए। 18वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में कई पनडुब्बी नौकाओं की कल्पना की गई थी। 1727 तक अकेले इंग्लैंड में कम से कम 14 प्रकार का पेटेंट कराया गया था। 1747 में एक अज्ञात आविष्कारक ने डूबने और सतह पर लौटने की एक सरल विधि का प्रस्ताव रखा। उनकी पनडुब्बी के डिजाइन में पतवार से बकरी की खाल के बैग जुड़े हुए थे और प्रत्येक त्वचा शिल्प के निचले भाग में एक छिद्र से जुड़ी हुई थी। उसने खालों में पानी भरकर बर्तन को डुबाने और घुमाती हुई छड़ी से खालों से पानी से बाहर निकालने की योजना बनाई। यह व्यवस्था आधुनिक पनडुब्बी गिट्टी टैंक का अग्रदूत थी। पनडुब्बी का उपयोग पहली बार नौसैनिक युद्ध में एक आक्रामक हथियार के रूप में किया गया था। अमेरिकी क्रांति जो 1775 से लेकर 1783 तक एक व्यक्ति द्वारा आविष्कार किया गया, शिल्प डेविड ब्रूस लेन के एक छात्र जिसे अंत में खड़े अखरोट के आकार की लकड़ी से बनाया था। जलमग्नयान ऑपरेटर द्वारा क्रैंक किए गए प्रोपेलर द्वारा संचालित था। योजना यह थी कि कछुए को एक ब्रिटिश युद्धपोत के लिए पानी के नीचे दृष्टिकोण बनाना था। जहाज के भीतर से संचालित एक स्क्रू डिवाइस द्वारा जहाज के पतवार में बारूद का चार्ज संलग्न करना था और समय फ्यूज द्वारा चार्ज विस्फोट होने से पहले छोड़ देना था। हालांकि वास्तविक हमले में कछुआ युद्धपोत के पतवार और तांबे की परत के माध्यम से पेच को मजबूत करने में असमर्थ था। प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक और कलाकार रॉबर्ट फुल्कर ने अपने स्टीम बोट क्लेरमेंट से हडसन नदी को पार करने से कई साल पहले पनडुब्बियों के साथ प्रयोग किया गया था। 1800 में फ्रांस में रहते हुए फुल्कर ने पनडुब्बी का निर्माण किया। नेपोलियन बोनापार्ट के अनुदान के तहत नॉटिलस इसका नाम दिया गया। मई 1801 में पूरा हुआ यह शिल्प लोहे के पसलियों के ऊपर तांबे की चादरों से बनाया गया था। सतह में प्रणोदन के लिए एक ढकने वाले मस्तूल और पाल प्रदान किया गया था और पानी में डूबे होने पर हाथ से चलाने वाले प्रोपेलर ने नाव को चलाया। एक अग्रदूतक कांच से ढके पोर्थेन से सुसज्जित क्रोनिंग टावर से शिल्प के भीतर से अवलोकन की अनुमति मिलती है। गिट्टी टैंकों में पानी ले जाकर नोटिलस जलमग्न हो गया और एक क्षैतिज पतवार जो गोताखोरी विमान का अग्रदूत था, ये यान को वांछित गहराई पर रखने में मदद की। पनडुब्बी में इतनी हवा थी कि चार आदमी जीवित रह सकते थे और दो मोमबत्तियां पानी के भीतर 3 घंटे तक जलती रही। बाद में संपीड़ित हवा का एक टैंक जोड़ा गया। नोटिलस का उद्देश्य कछुए की तरह ही दुश्मन जहाज के पतवार पर विस्फोटक चार्ज लगाना था। फुल्टन ने प्रयोगात्मक रूप से ब्रिस्ट में बंधे एक पुराने स्कूनर को डुबो दिया, लेकिन ब्रिटिश युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए निकले, लेकिन जिन युद्धपोतों को उन्होंने देखा उनसे आगे निकलने में असमर्थ थे। फुल्टन की पनडुब्बी में फ्रांस की दिलचस्पी कम हो गई और वे अपने पूर्व दुश्मन को अपना आविष्कार पेश करते हुए इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। 1805 में नोटिलस ने एक परीक्षण में ब्रिगेडियर दो रोथी को डुबो दिया, लेकिन रॉयल नेवी ने उनके प्रयासों का समर्थन नहीं किया। फुल्टन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका आए और अधिक महत्वाकांक्षी समुद्री जहाज के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गई। यह नई पनडुब्बी 100 लोगों को ले जाने वाली थी और भाप इंजन द्वारा संचालित होनी थी। हालांकि जहाज के वास्तव में समाप्त होने और पनडुब्बी का नामकरण होने से पहले ही फुल्टन की मृत्यु हो गई, मुख सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। अंत में अपने घाट पर वो डूब गया, यानी कि पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और यह डूब गया पनडुब्बी।